हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन BMJNB क्लासेस। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 की लगातार प्रिपरेशन कराई जा रही है। रेगुलर आपके लिए क्लास शाम को 7 बजे होती है। तो जो स्टूडेंट्स आपके कांटेक्ट में हैं, जो स्टूडेंट आपको आपके फ्रेंड हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए इस क्लास को सबसे पहले शेयर कर दें। जल्दी से भाई शेयर करो, सबसे पहले उन दोस्तों के लिए जोड़ो जो यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय तैयारी करना चाहते हैं। जल्दी से फटाक से ये काम करो, सभी स्टूडेंट जल्दी से ये काम करेंगे, अपने दोस्तों के लिए इस क्लास को जल्दी से शेयर कर दो और व्हाट्सएप स्टेटस पर अपना जो इस क्लास का जो लिंक है वो लगा दो। जो स्टूडेंट जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी करना चाहते होंगे वो वहां से इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो जल्दी से भाई, आपके पास में 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से सभी बच्चे शेयर कर दें, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे हम। जल्दी से करो इतना काम। और जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन दबा के, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो बच्चे क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए प्रॉपर तैयारी कराई जाएगी। हर पार्ट को यहाँ पर कवर कराया जाएगा आपका जवाहर नवोदय विद्यालय का, चाहे टेस्ट हुआ, चाहे मेंटल एबिलिटी का पार्ट हुआ, चाहे मैथ्स का पार्ट हुआ, चाहे आपका लैंग्वेज वाला पार्ट हुआ, किसी भी पार्ट को नहीं छोड़े जाने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे कि मेंटल एबिलिटी का और हमारा एक पार्ट मैथ का, ये दो पार्ट चल रहे हैं, और साथ ही साथ में कुछ दिनों के बाद में लैंग्वेज वाला पार्ट भी आपका स्टार्ट होने वाला है। तो जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएं इस क्लास में, जल्दी से। अब देखिए, सबसे पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है इस चैनल के लिए, तो सबसे पहले भाई यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए BMJNB क्लास के लिए। यहाँ पर आपके लिए 2023 जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड जो भी मटेरियल दिया जाएगा, BMJNB क्लासेस से जो भी आपके लिए मटेरियल मिलेगा वो आपके लिए कहाँ मिलने वाला है, टेलीग्राम जो चैनल है BMJNB क्लासेस, यहाँ पर आपके लिए मिलने वाला है। और आज इस क्लास के बाद में आपके लिए एक PDF मिलेगी चैप्टर नंबर 4 की, उसमें सारे क्वेश्चन जो हमने कराए हैं चैप्टर नंबर 4 में, उसके सभी क्वेश्चन PDF के थ्रू वहाँ पर आपके लिए सेंड करने वाले हैं। तो जल्दी से सभी बच्चे ज्वाइन कर लें, अदरवाइज आप PDF नहीं मिल पाएगी आप लोगों के लिए, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ऐड होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप है 7452902020, यहाँ पर हमसे ज़रूर आप जुड़िएगा। यहाँ पर कोई समस्या आपकी है, कोई डाउट है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से सबसे पहला काम है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, इस क्लास के बाद में आप टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लें, ठीक है। हो सकता है कि व्हाट्सएप ग्रुप इन फ्यूचर ना रहे, हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या है 250 लोग ही ऐड हो सकते हैं, इसमें क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हो सकते हैं, तो आपके लिए ये वाला हमेशा रहेगा आपका टेलीग्राम चैनल, इसे ज्वाइन जरूर कर ले, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आई होप आप सभी ने शेयर कर दिया होगा अच्छे से, ठीक है। चलो, अब हमारे कल क्वेश्चन बेटा कहाँ तक हो गए थे, कल हमारे क्वेश्चंस हो गए थे क्वेश्चन नंबर 6 तक, ठीक है। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन बेटा कंटिन्यू करने वाले हैं। और सबसे पहले सभी बच्चे बता दें कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है, आपके लिए किस तरह से समझ में आ रहा है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, सर हमारी स्टडी अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है, आपके लिए क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, जल्दी से सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। चलो स्टार्ट करें। चलो, हमारे क्वेश्चन हो गए थे क्वेश्चन नंबर 6 तक, और कल बेटा हमारा एक क्वेश्चन रह गया था क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी कैलकुलेशन नहीं हो पाई थी, उसे हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट में जो कैलकुलेशन बेटा थी आपकी, कैलकुलेशन इस तरह से थी लास्ट में, अगर कल आपने हमारी क्लास देखी है तो वो देख लेना, आप नहीं देखी है तो ठीक है, और जिसने देखी होगी उसके लिए पता होगा। तो कैलकुलेशन हमारी थी 38 × 98154/158, इसके लिए हमें सेकंड संख्या निकालनी थी, ठीक है, ये निकालनी थी। अब देख लो कैसे करोगे इसके लिए सॉल्व। तो सबसे पहले 2 से काट लेते हैं, 2 × 7 = 14, 2 × 7 = 14 और 2 × 8 = 18, 2 × 4 = 8, 1 + 2 = 18, 0 × 2 = 14, 2 × 14, ठीक है। अभी आपको कट जाएगा 19 से कट जाएगा, 19 × 2 = 38 और 19 × 4 = 76, 19 × 1 = 19, ठीक है। अभी आपका कैसे कटेगा देखो, 41 से हम भाग लाकर देखते हैं 49077 में, ठीक है। 49 यहाँ से 41 से कम 41, तो 8 बचेगा 0, 41 से कम 41, यहाँ से बचेगा आपका 39 और 7 निकाल लिया, और यहाँ से आपका जाएगा
नौ एकम नौ और नौ चौक छत्तीस, नाइन का नौ एकम नौ, नौ चौक छत्तीस, तो यहाँ से आपका बचेगा नौ आठ सत्रह, और यहाँ से दो, यहाँ से सात, अब सात एकम सात, सात चौक अट्ठाईस, ये आ जाएगा। तो ग्यारह सत्तानवे इससे डिवाइड करेंगे तो ग्यारह नाइन्टी सेवन आएगा, और ये बचा है आपके पास में, और ये बचा है इस इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये गुणा से क्या है बेटा, कनेक्ट है। तो दो सत्ते कितना हो जाएगा, चौदह हो जाएगा, दो नेम अठारह और एक उन्नीस हो जाएगा, दो एकम दो एक तीन हो जाएगा, और दो एकम दो, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तेईस चौरानवे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो कल वाला क्वेश्चन बेटा हमारा क्या हो चुका है, अब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सबका जो यहाँ इस क्वेश्चन में डाउट था क्लियर हो गया, जल्दी से थम्सअप करके बताएं भाई सभी बच्चे। चलो बढ़े आगे, चलो भाई अब बढ़ लेते हैं भाई अपने आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन, मतलब चैप्टर नंबर फाइव का क्वेश्चन नंबर सिक्स, ठीक है। जल्दी से भाई बताएं कौन कौन कर लेगा इस क्वेश्चन के लिए, और सभी बच्चे कमेंट करते रहें कमेंट सेक्शन में, किसी का कमेंट रुकना नहीं चाहिए, कमेंट भाई जरूर करते रहो, जो भी आपका ऑप्शन सही आ रहा है, जो भी पूछा जा रहा है उसको कमेंट सेक्शन में जवाब दो। कहा जा रहा है थम्सअप करके बताओ, तो थम्सअप करके बताओ, जिससे हमें पता लगना चाहिए कि आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 117 देन देयर एलसीएम, ठीक है। अब यहां पर को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, सबसे पहले बेटा हमें पता होना चाहिए कि को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, अगर हमें यह नहीं पता होगा तो क्वेश्चन को हम सॉल्व किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते, बात क्लियर हो रही है, ठीक है। दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, ठीक है, तो यहां पर दो सहअभाज्य, अगर मैं संख्या लिख लूं सहअभाज्य संख्या, इंग्लिश वाले लिखेंगे टू को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, तो सुन लो सभी बच्चे ध्यान से, पूरे फोकस बोर्ड पर रखो, और आपका जो कान है मेरी आवाज की तरफ होने चाहिए। को प्राइम नंबर्स सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं हमेशा बेटा आपकी पेयर में होती हैं, जोड़े में होती हैं, कभी भी आपके लिए को प्राइम नंबर्स एक सिंगल नंबर नहीं मिल सकता, एक अकेली संख्या कभी भी नहीं मिल सकती। जब भी सहअभाज्य संख्याओं की बात आएगी, को प्राइम नंबर्स की बात आएगी, तो वो हमेशा बेटा क्या होंगे, पेयर में होंगे, जोड़े में होंगे, जोड़े में होंगे मतलब दो नंबर साथ में होंगे हमेशा, ठीक है। सबसे इसकी पहचान बड़ी क्या हो गई, सबसे बड़ी पहचान ये है कि जो पेयर में होंगे दोनों, इसकी आइडेंटिटी यही है कि ये पेयर में होते हैं, ठीक है। और दूसरी आइडेंटिटी इसकी है कि सहअभाज्य संख्याएं कैसे पहचानेंगे हम, सर दो तीन ये भी पेयर में है, सर पेयर में ये भी हो सकता है, सर पेयर में तो ये भी हो सकता है, सर अब कैसे पहचाने सर हम कि इसमें से इसमें से इसमें से कौन सा सहअभाज्य संख्या है। पेयर में तो होंगे बेटा, लेकिन इसके बाद में इसकी पहचान एक और होती है, सबसे पहली पहचान ये हमेशा किस में होंगे, प्यारे में होंगे, जोड़े में होंगे, एक के साथ में दूसरा होगा ही होगा, कभी भी सिंगल नहीं हो सकते, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, तो थम्सअप करके बता दो सर हमें समझ में आ गया कि सर हाँ आपने बताया कि प्यार में होंगे, लेकिन सर आगे और बताइए हमारे लिए, तो सुनिए कैसे। अब देखो सहअभाज्य संख्याओं की दूसरी पहचान यह है कि जब भी आप इन दो संख्याओं का HCF निकालोगे, मतलब लाशाफा निकालोगे, लाशा निकालोगे, तो हमेशा इन दो संख्याओं का, वो दो संख्याएं जो आपकी सहअभाज्य संख्याएं हैं, उनका लाशा मतलब HCF हमेशा एक आता है, बात क्लियर हो गई। दोबारा सुन लो एक बार, दोबारा फिर रिपीट करता हूं, जो यहां पर संख्याएं दे रखी होंगी पेयर में, जो संख्याएं दे रखी होंगी, अगर सहअभाज्य संख्याएं वो जब होंगी जब उन दो संख्याओं का, उन दो संख्याओं का अगर हम HCF निकालें, मासा निकालें, तो कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए। अगर उन दो संख्याओं का मासा HCF एक होता है या वन होगा, तो वो क्या होंगी, हमेशा सहअभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स होंगे, बात क्लियर हो गई। जल्दी से भाई बताओ, जल्दी से फटाक से कमेंट करके बता दो, सर हमें बिल्कुल यहां पर कोई समस्या कोई परेशानी नहीं है, सर आगे बढ़िए, जल्दी से बताओ भाई कमेंट करके,
फटाक से कमेंट करो जल्दी से, किसी का कमेंट रुकना नहीं चाहिए, सभी का कमेंट हो जाना चाहिए, जल्दी से कमेंट करो फिर आगे बढ़ेंगे हम। समझ में आ गया, बढ़े आगे चलो ठीक है। तो हम आपसे पूछें बेटा समझ में आ गया, क्या समझ में आया? तो सर आप कहोगे सर अभी आपने कहा था कि सहवाच संख्याएं नंबर वन तो वो पेयर में होंगी मतलब जोड़े में होंगी, और दूसरी सर उसकी पहचान ये होगी कि उन दो संख्याओं का जो दो संख्याएं पेयर में हैं जोड़े में हैं उनका अगर हम सर मासा निकाल दें HCF निकालें अगर बन आ जाता है तो सर अभी आपने बताया था वो किसकी कंडीशंस हैं, वो सहवाच संख्या की कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे आपने समझ लिया, बहुत अच्छे ठीक है आगे बढ़े। अब देख लो, चलो इसी में हम पहचान कर लेते हैं, एक 2,3 हमने ले लिया, एक मिनट बेटा ये निकल गया, एक मिनट तो हम कहां चल रहे थे। हाँ देखो देखो अब ये दो संख्याएं हैं तो हम चलो इसकी पहचान कर लेते हैं कि ये वास्तव में सहवाच संख्याएं हैं या नहीं है। चलो हमने यहाँ 2 लिख लिया और एक 3 लिख लिया। सर आपने कहा है इनका HCF निकालो, चलो भाई निकाल लेते हैं, लिख लिया तो 2 बन जा, 2 यहां से बनाया। अब क्या करेंगे, अब 1 से इसके लिए भाग करेंगे। ये सारी चीजें मैंने बेटा आपके लिए बहुत अच्छे से समझाई हैं ठीक है। तो सर आपका जो 2,3 है सर इसका HCF निकल के आ गया क्या, 1 निकल कर आ गया। सर आपने कहा था कि लास्ट में अगर 0 आ जाता है इसका मतलब ये वाला जो पार्ट होगा जिससे हम भाग देंगे सर वो हमेशा हमारा HCF निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब सर 2,3 जो पेयर है, जो संख्याएं हैं वो कैसी संख्याएं हैं, सहवाच संख्याएं हैं। सर आपने बताया था बिल्कुल है, आपने बहुत अच्छे समझा है, आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट था सहवाच संख्या वाला बिल्कुल क्लियर हो गया है। ठीक है शाबाश, बहुत अच्छे। तो आपका इसका मतलब 2,3 ऐसी संख्याएं हैं जिसका HCF 1 आ रहा है और सहवाच संख्याओं की कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। ठीक है समझ में आ गया। तो इसका मतलब 2,3 सहअवाच्य संख्याएं होंगी। ठीक है चलो 2,4 की बात कर लेते हैं, तो 2,4 ये इसका देख लेते हैं सहवाच संख्याएं हैं या नहीं है। तो 2 से हम 4 के लिए डिवाइड करेंगे तो यहां से 4 आ जाएगा, और जैसे ही 0 आता है इसका मतलब ये वाला क्या हो जाता है HCF। क्या बेटा ये 2 आ रहा है किसका, 2,4 का HCF 2 आ रहा है, क्या ये सहवाच संख्याएं हैं? नहीं सर बिल्कुल नहीं है। आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं है, आपने बताया है कि उनका HCF हर कंडीशन में 1 आना चाहिए तभी सहवाच संख्याएं होती हैं। बहुत अच्छे बेटा शाबाश। ठीक है बात क्लियर हो गई, इसका मतलब इसका 2 आ रहा है तो ये कभी भी क्या है सहवाच्य संख्याएं नहीं है, को प्राइम नंबर्स नहीं है। ठीक है इसी तरह से इसका आपका बेटा 3 आएगा, 3 आएगा HCF, इसका मतलब ये भी क्या है आपकी सहवाच्य संख्याएं नहीं है। ठीक है तो आई होप आपके लिए ये बात समझ में आ गई होगी कि सहवाच संख्याएं कौन कौन सी होती हैं और किस तरह से उसकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है ये मैंने कुछ एग्जांपल के थ्रू आपके लिए समझा दिया। अब हमारा स्टार्ट होता है क्वेश्चन, क्योंकि जो हमने अभी चीजों को सीखा है इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होने वाला है इस क्वेश्चन में। ठीक है तो आपने ये तो जान लिया कि कोई भी सहवाच संख्याएं हो उनका HCF कितना होता है, 1 होता है। ये रिजल्ट निकल कर आया, हमने यहाँ पर जो कुछ सीखा वहाँ से एक रिजल्ट मिला हमारे लिए कि सर 1 होता है सहवाच संख्याओं का HCF। ठीक है चलो अब अपने क्वेश्चन पर वापस आ जाते हैं हम लोग। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर हमारा था 7, दो सहवाच संख्याओं का गुणनफल। ठीक है यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ दो सहअवाच्य संख्याओं का गुणनफल बराबर, अब सुनो यहां पर दो सहवाच संख्याएं, सहवाच संख्याएं हमेशा पेयर में होंगी, फर्स्ट संख्या या सेकंड संख्या। ठीक है गुणनफल बराबर इसमें दे रखा है फर्स्ट संख्या, हाँ लासा इंटू मासा, तो जो दे रखा है उसे देख लो लासा इंटू मासा।
हमने कल भी इस तरह का फॉर्मूला पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ पढ़ा था कल क्लास में। किस किस ने क्लास को देखा जल्दी से बताएं। सर हमने बिल्कुल पूरे क्लास को देखा और हमने अच्छे से समझा। अब यहां पर कह रहे हैं दो सहअभाज्य, यहां पर थोड़ा एक्स्ट्रा जो पार्ट है इसके लिए जोड़ दिया गया है। अब इसको जोड़ा क्यों गया है, क्यों जोड़ा गया है, अब देख लो। दो सहअभाज्य संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं हैं जिसका गुणनफल कितना है 117 है। बात समझ में आ रही है, ऐसी दो संख्याएं जो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, दी हुई नहीं है, तो उनका कह दिया है गुणनफल, उनका जो मल्टीप्लाई है वो कितनी है 117 है, 117 है। बस उनने ये उसका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स दे रखा है कितना 117, लेकिन नंबर्स नहीं दिए हुए हैं। अब सुन लो, अब यहां पर आपसे क्या पूछा गया है, लासा बेटा पूछा गया है। अब मासा कैसे निकालोगे, हमेशा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा होगा या पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, मतलब तीन पार्ट इस फार्मूले में है, पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है और तीसरा पार्ट आपका ये है। बात समझ में आ रही है, एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है और तीसरा पार्ट ये है। कोई भी क्लास को छोड़कर नहीं जाएगा, क्लास को एंड तक देखेंगे सभी बच्चे। ध्यान रखो, कोई भी चीज मैं समझा रहा हूँ डिटेल से समझा रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। तो किसी भी बच्चे के, मतलब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसके समझ में ना आए। तो मेरा यही पर्पज है कि हर बच्चे के दिमाग में हर पॉइंट हर कॉन्सेप्ट सेट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो कोई क्लास को छोड़कर नहीं जाएगा, अदरवाइज भाई आपने अगर जरा सी भी स्किप कर दी क्लास के लिए तो भाई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें तीन पार्ट हैं, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल के इस साइड वाला एक पार्ट, और एक पार्ट बेटा ये है, और एक पार्ट बेटा क्या है ये वाला पार्ट है, मतलब इसमें तीन पार्ट है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा और उसमें ये फार्मूला लगेगा तो हमेशा आपके पास में दो पार्ट तो क्वेश्चन में दिए होंगे, हर कंडीशन में चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो उसमें दो पार्ट तो दिए होंगे, और एक पार्ट क्या होगा वो आपसे पूछा जाएगा। चाहे आपसे ये वाला पार्ट पूछ लिया जाए, फिर ये वाला और ये वाला पार्ट आपके लिए क्वेश्चन में दिया होगा, कहा जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बताओ जिसका लासा इतना है मासा इतना है, लासा मासा दे रखा होगा और आपसे पूछा जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बताओ, ठीक है। इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दे रखा है क्वेश्चन में, और ये वाला पार्ट हमसे पूछा गया है, मतलब मिस कर दिया गया है। मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, मैंने बताया था एक पार्ट आपके लिए मिस कर देगा, आपसे पूछेगा। कभी कभार क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा होगा और कहेगा उसका मासा 4 है, 10 है, 15 है, ठीक है, जो भी होगा, दो संख्या गुणनफल इतना है, मासा उसका इतना है, तो लासा बताओ, इस तरह से पूछ लेगा। कभी कभार पूछेगा दो संख्या गुणनफल इतना दे रखा है और लासा इतना है तो मासा बताओ, मतलब एक पार्ट आपके लिए मिस कर देगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन की अगर बात करें तो आप दोबारा से क्वेश्चन को रीड करेंगे तो वहां पर एक चीज पाएंगे कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल सिर्फ दे रखा है कितना 117। बात समझ में आ रही है, सिर्फ एक दे रखा है, तो सर इसे हम कैसे करेंगे। सर अभी आपने कहा था कि एक पार्ट मिस करेगा, वो एक पार्ट के लिए वो क्वेश्चन में हमसे पूछेगा, एक पार्ट को जो पूछा जाएगा, जो पार्ट मिस करेगा उसे हमसे पूछेगा वो, सर अभी आपने कहा है। हाँ बिल्कुल कहा है, बिल्कुल कहा है, लेकिन सर इसमें तो दो पार्ट हमें दिए हुए नहीं है क्वेश्चन में। सर आप दोबारा से पढ़ के देखो। हाँ बेटा मैंने पढ़ लिया है, बिल्कुल पढ़ लिया है, लेकिन वही मैं चीज आपके लिए समझाने जा रहा हूं कि कारण क्या है कि सिर्फ एक पार्ट आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। पार्ट तो दोनों दिए हुए हैं बेटा, इसमें दोनों पार्ट दिए हुए हैं, लेकिन क्या है वो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है, हाइड किया हुआ है, छिपा हुआ है। अब सर कहाँ छिपा हुआ है, हमें तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो चलो देख लो। देखो दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है 117 आ गया, ठीक है। अब बात आएगी मासा की, आपसे लासा पूछा गया है, लासा कितना होगा ये तो हमें निकालना है, तो हमें उसको ऐसा ही हमने एज इट इज नीचे लिख दिया। अब बात आती है कि मासा कहाँ से लेकर आए सर, हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो कोई बात नहीं है, बस आप यहाँ पर देखो और समझो। तो बेटा अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, दो सहअभाज्य संख्याएं, जहां पर दो सहअभाज्य संख्याएं आ जाएं
वहाँ पर उनका हमेशा HCF कितना होता है, कितना होता है, सोचो सोचो जल्दी सोचो सर। हाँ हाँ याद आ रहा है, अभी 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 आपने बताया था सर कि एक होता है। हाँ बेटा एक होता है, तुरंत लिख दो एक। लिख दिया? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया सर, एकदम से आ गया ना। तो किसके भाई समझ में नहीं आया जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन में, जल्दी बताएं फटाक से। क्या दो सहवाद संख्याओं का गुणनफल कितना है? 117 दे दिया, लेकिन कह रहे हैं दो सहवाद संख्याएं, तो दो सहवाद संख्याओं का बेटा मासा क्या होता है? 1 होता है। यही तो छिपा हुआ था, इसी में तो दिमाग लगाना था। कुछ बच्चों के इतना आसान क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाता तो वो कर नहीं पाते। बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा आपके लिए दिमाग लगाना है, तब आप आसानी चीज़ों कर लोगे। अब देखो हमारे सामने लासा भी मिल गया, सॉरी लासा में निकालना था, मासा मिल गया और 117 आपका गुणनफल दे रखा था। तो लासा यहाँ से निकाल लो, लासा निकालोगे तो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। कितना आ जाएगा? लासा मतलब LCM बराबर 117। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक, तो जब भी क्वेश्चन में इस तरह का आए तो आप आसानी से आई थिंक कर दोगे। अब कौन कौन कर देगा कमेंट करो जल्दी से, फटाक से कमेंट करो। और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबा के सब्सक्राइब का बटन दबा दें जल्दी से। यहाँ पर क्लास भाई रेगुलर शाम को 7 बजे चल रही है, ये आप जानते हैं। जो स्टूडेंट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं उनके लिए पता होगा कि शाम को 7 बजे डेली आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है डेली। इसलिए आप नए हैं तो शाम को 7 बजे क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा। और अभी तक अपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा। शाम को 7 बजे के बाद में 7 बजे क्लास स्टार्ट होगी और 8 बजे के बाद में आपके पास में PDF पहुंचेगी चैप्टर नंबर 4 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए आज यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो जल्दी से सभी बच्चे इसके लिए इस क्लास के बाद में जरूर सब्सक्राइब कर लें इस चैनल के लिए। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ें। चलो भाई अब आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इससे नेक्स्ट है उसे अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा बेटा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है भाई, सारी चीज़ों को समझते हुए चलो, कोई समस्या नहीं आएगी। बस लगातार लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहो, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाओगे और यहीं से आपका सिलेक्शन होने वाला है। बस कंडीशंस क्या हैं जो बताया जाए उनको आप अप्लाई करो, जो भी कंडीशन आपके लिए बताया जाए, जो कहा जाए उसके लिए आप करो, हो जाएंगी सारी चीजें। देखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर बाई विच 1277 एंड 1368 आर डिवाइडेड लीविंग अ रिमाइंडर ऑफ 3 ईच केस। ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या है इन दोनों के लिए अगर डिवाइड करें तो ईच कंडीशन में हमारे 3 क्या है रिमाइंडर बचे। तो वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई है। देखो वैसे अगर मैं चाहूँ तो आपके लिए एक मेथड ही बता दूँ, लेकिन फिर भी मेरा मन करता है कि आप लोगों के लिए दो मेथड आने चाहिए। अगर एक मेथड आप नहीं कर पाओ तो दो से कर दो। ठीक है, एक संख्या इधर की है, एक संख्या इधर की है। ठीक है, अब कह रहे हैं ईच केस, आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। अब सुनो, बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए, इससे यदि इतने तेज भाग किया जाए तो दीप को अच्छा तीस ही है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में, आप देखो इस क्वेश्चन को बेटा आप दो तरह से कर सकते हो। देखो मैं हमेशा दो आपके लिए मेथड बताता हूँ या तीन, जब मेरे दिमाग में जितने मेथड होते हैं बता देता हूँ आपके लिए, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर मान लो एक मेथड आपके लिए नहीं आ रहा है, और कभी कभार क्या होता है अगर पहला मेथड मैंने आपके लिए समझाया तो वो बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनके लिए समझ में नहीं आएगा, और कभी कभार दूसरा वाला मेथड आपके लिए समझ में आ जाता है, ईजी लगता है। तो जो मेथड आपके लिए बेस्ट लग रहा है, कुछ बच्चों को पहला लगेगा अच्छा, कुछ लोगों को सेकंड वाला अच्छा लगेगा, तो जिसको जो अच्छा लगता है वो कर ले, कोई समस्या नहीं है। तो इसका पहला मेथड ये है जिसे आप बोल सकते हो कि एक बेसिक, हालांकि है तो वो वाला ही बेसिक, तो सेकंड वाला बताऊंगा। ऐसे देखो, ऐसी कौन सी संख्याएं हैं, यहां पर दे रखा है ये संख्या और ये संख्या, कह रहे हैं ऐसी कौन सी संख्याएं हैं, ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिससे हम इसमें और इसमें डिवाइड करें तो हमारा प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल आए। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? बात समझ में आ गई? क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है कि अगर हम
इसके लिए और इसके लिए डिवाइड करें, भाग करें, तो दोनों स्थिति में प्रत्येक कंडीशन में आपकी क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 3 आना चाहिए, शेषफल कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन बने तो पहला मेथड आपका यह है कि आप इस तरह से करो, 68 से इसके लिए भाग लगाकर देखो, ठीक है, बने रहना लास्ट तक क्लास में, कोई क्लास को भी छोड़कर मत जाना, छोड़ कर गए तो भाई बहुत कुछ खो दोगे। कुछ बच्चे हैं जो रेगुलर क्लास को अटेंड करते हैं, उनसे बहुत मैं खुश हूँ, बहुत अच्छे बच्चों, जैसे नाम तो कुछ मुझे लर्न है, जैसे खुशी पांडे नाम से लड़की है और सैयद अंसारी करके हैं, हमजा करके हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, एक निर्भय नाम का लड़का है, इस तरह कुछ स्टूडेंट हैं रेगुलर क्लास को अटेंड करते हैं और उनका रिस्पांस भी बहुत अच्छा आता होगा और उन्हें अगर रेगुलर क्लास पे नोट्स बना रहे होंगे तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ें क्लियर भी हो रही होंगी, ठीक है। तो उनकी तरह आप भी जुड़िएगा, लगातार बने रहिएगा, सारे कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा काम क्या होगा, इससे सबसे पहले ऑप्शन नंबर जो ए है, हम इससे इसे और इससे इसे भाग करके देख लेते हैं। अगर क्या पता हमारा 68 से इसे और इसे भाग करने पर दोनों कंडीशन में हमारा 3 शेषफल आ जाए तो हमारा संख्या क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 68 हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी तो देख लो। तो यहाँ से करेंगे हम 68 बन जा 68, यहाँ से आएगा आप 9 और यहाँ से आपका बचेगा 6 और 6 5 11, ठीक है, और 7, अब कितना चला जाएगा, 6 8 6 9 54, 9 8 72, 9 8 72, 9 8 का जाएगा, 8 2 64, 8 6 48, 48 6 54, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा आपका 3 और यहाँ से क्या बचेगा 5। अब देख लो यहाँ से आपका 68 से आपने इसमें डिवाइड किया, इसमें भाग लगाया तो हमारा रिमाइंडर बेटा कितना बच रहा था, 53 बच रहा था। और क्वेश्चन में कहा गया है कि इनमें से ऐसी कौन सा नंबर है, ऐसी कौन सी संख्या है कि इसके लिए और इसके लिए दोनों को उस संख्या से भाग किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो दोनों कंडीशन में ईच केस में हमारा क्या आना चाहिए, शेषफल 3 आना चाहिए। लेकिन इसमें कितना आ रहा है, 53, इसका मतलब 68 से हम अगर इसमें भाग दें चाहे इसमें भाग दें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा ये वाला जो है यहाँ पर 53 क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, और आना कितना चाहिए था, 3 आना चाहिए था, इसका मतलब रॉन्ग, ठीक है। अब दूसरे ऑप्शन से आप करके देखोगे इसी तरह से, फिर इसके लिए करके देखोगे इसी तरह से, इसके लिए करके देखोगे इससे करोगे इसे, फिर इससे इसे करोगे, मतलब ऐसे करोगे तो पहले ऑप्शन से दो बार भाग करोगे, इसी तरह से दूसरे वाले ऑप्शन से दो बार डिवाइड करना पड़ेगा, तीसरे ऑप्शन से दो बार करना पड़ेगा और चौथे ऑप्शन से आपके लिए दो बार करना पड़ेगा। मतलब बच्चों कितनी बार करना पड़ेगा आपके लिए, 3 बार भाग करना पड़ेगा, सॉरी 6 बार भाग करना पड़ेगा, और 6 बार भाग करोगे तो भाई टाइम आपका बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा। तो आप कैसे करना चाहोगे, इससे सरल तरीका बता दूं, जल्दी बताओ, इससे आसान तरीका बता दूं, जल्दी कमेंट करो, फटाक से कमेंट करो, जी सर बता दीजिए हमारे लिए, ठीक है। तो इस तरह से करोगे तो आपका आंसर तो डेफिनेटली आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्या है टाइम की बेटा प्रॉब्लम रहती है, मैंने एक बार नहीं कई बार बताया है, हमारे स्टूडेंट यहाँ पर ऑफलाइन में पढ़ते थे तब जब यहाँ पर हम 2 घंटे का पेपर होता था तो वो 1.5 घंटे में पेपर के लिए ख़त्म कर देते थे और उनके मार्क्स भी अच्छे आते थे, लेकिन जैसे ही उनका एग्ज़ाम हुआ नवोदय का तो उनके पास टाइम की कमी रह गई, कम पड़ गया टाइम उनके लिए, यही होता है एग्ज़ाम का प्रेशर। इसीलिए आपके लिए क्या करना है, इन चीज़ों के लिए जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं इन पर थोड़ा बहुत फोकस करना है, मेथड को देखना है कि कौन सा मेथड बेस्ट है हमारे लिए, उस मेथड का यूज़ करो। इसमें भाई आप डिवाइड करोगे, सबसे बड़ी पहली बात तो यह है कि 68 की हमें टेबल याद नहीं है, जब टेबल याद नहीं है तो गुणा करोगे घंटों तक, बहुत टाइम लग जाएगा। चलो इससे आसान तरीका सीख लेते हैं, चलो भाई आ जाओ। अब देखो एक तरीका ये है, सेकंड वाला तरीका आपका ये है
ठीक है, इसमें आपकी बेटा ऑप्शन की जरूरत किसी कंडीशन में पड़ने वाली नहीं है, बस लास्ट में पड़ेगी कि हमारा आंसर आया या नहीं आया, बस वो देखने के लिए, बाकी आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, चलो सुन लो। अब देखो, ये संख्या दे रखी है और ये संख्या दे रखी है। अब हमें सिर्फ क्वेश्चन में फोकस बना के रखना है कि हमें कौन कौन सी संख्याएं दे रखी हैं। तो संख्या एक ये दे रखी है, एक नंबर ये दे रखा है। सुन लिया, ध्यान सुन लिया सभी ने। अब क्या करना है आपके लिए, कहा जा रहा है कि प्रत्येक स्थिति में कितना बचना चाहिए, तीन शेषफल बचना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इन संख्याओं को जो ऊपर लिखी हुई हैं ऐसा लिख लो जैसे मैंने लिखा है। अब कह रहे हैं ईच केस में, दोनों कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में भी और इस वाली कंडीशन में भी तीन आपका शेषफल बच रहा है। तो आप तीन जो शेषफल बच रहा है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है, उसके लिए भाई आप माइनस कर दो। ठीक है, इतना काम कर लोगे इतना काम। बात समझ में आ रही है, कैसे करोगे, दो संख्याएं दे रखी हैं तो इसको ऐसा लिख लो। फिर कहा जा रहा है कि दोनों स्थिति में तीन शेषफल बच रहा है, तो इस वाली स्थिति में भी बच रहा है, इस वाली स्थिति में भी शेषफल आपका बच रहा है। तो आप क्या करोगे, दोनों से माइनस कर दो। ओके, चलो कर देते हैं माइनस। कर दिया भाई, यहां से 13 और 65 ये आ गया आपके सामने। ठीक है, आगे बढ़े, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी के। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब देख लो, अब हम इसे कर लेते हैं इधर सॉल्व। चलो, ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब आपका काम क्या होगा, इस ये वाली संख्या और ये वाली संख्या आपके सामने आ गई क्या, 12 74 13 65। अब कुछ मत करो, अब क्वेश्चन पे जल्दी पहुंचो, क्वेश्चन पे पहुंचो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से क्वेश्चन पहुंचो, सबका नजरें क्वेश्चन पे होनी चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। जहां पर आ जाए ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ी से बड़ी संख्या, वहां पर बेटा हमेशा आपका क्या निकलेगा, HCF निकलेगा, मासा निकलेगा। ग्रेटेस्ट आ जाए, या हिंदी में बोलेंगे बड़ी से बड़ी या ग्रेटेस्ट, अगर ये दो, इंग्लिश वाले सुन लो ग्रेटेस्ट और हिंदी वाले सुन लो बड़ी से बड़ी, तो वहां पर 101% 95% ऐसे केस बनेंगे, 95% चांस होंगे कि आपकी वहां पर हमेशा क्या निकलेगा, HCF निकलेगा, मासा निकलेगा। दोबारा सुन लो, जहां पर बड़ी से बड़ी संख्या कहा जाए, ग्रेटेस्ट नंबर कहा जाए, वहां पर हमेशा क्या करोगे आप, HCF निकालोगे, मासा निकालोगे। ये आपके 95% चांस रहेंगे, आपके 95, 100 में से 95% चांस ऐसे हैं कि वहां पर आपका HCF निकलेगा ही निकलेगा, मासा निकलेगा ही निकलेगा। 5% जो चांस हैं वो मैं आगे आपके लिए बताऊंगा क्वेश्चंस में कि वो क्यों नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। तो जहां जहां पर बड़ी से बड़ी बात आ जाए, वहां पर तुरंत आप क्या कर दो, HCF निकाल दो। समझ में आ गई, आपके सामने एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, चलो निकाल लेते हैं। यहाँ से आपका एक बचेगा, यहाँ से बचेगा 9 और यहाँ से 1। ठीक है, घटाए वो सही है भाई, सही है बिल्कुल। अब देख लो कितना चला जाएगा भी बताओ। ये आपका चला जाएगा, ऑप्शन कितना आ रहा है इसमें, चलो कर लेते हैं इसके लिए 19 6 6 6 6 54 6 6 5 11। यहाँ से आपको बचेगा 8 6 14, यहाँ से बचेगा आपका 2 और यहाँ से बचेगा आपका 1। ठीक है, और 199 इसे करेंगे तो कितना आएगा, 228, यहाँ से बचेगा आपका 3 और यहाँ से बचेगा आपका 6। ठीक है, 8 3 11 कितना आ रहा भाई, कहीं मिस्टेक हो रही है भाई, जल्दी से बताओ कहाँ मिस्टेक हो रही है, कैलकुलेशन में कहीं पर होगी मिस्टेक। इसमें 12 77 बिल्कुल सही है, 368 बिल्कुल सही है, अगर इससे माइनस करेंगे तो बिल्कुल सही आएगा, इससे माइनस करेंगे तो बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, अब भाई कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, 1274 बिल्कुल सही है,
यहाँ पर भी सही है, 916। कमेंट करके बताओ कहाँ मिस्टेक हो रही, जैसे भी बच्चे बताएंगे। हाँ बेटा देखो यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई हमारी, यहाँ पर हो गई। देखो हमने यहाँ से इधर कैरी लिया था, एक हासिल लिया था, और यहाँ पर हमने 3 यहाँ पर माइनस कर दिया तो हमारा बन आ रहा था, मतलब तभी रॉन्ग था। तो यहाँ पर जब कैरी ले लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 91। चलो कर लो अब 91, अब कर लो, अब हो जाएगा आसानी से। 91 और 91 यहाँ से कितना आ जाएगा, 6, यहाँ से 9, 3, 12। ठीक है, अब आगे बचा कौन सा नया नंबर उतार लेंगे, 4। ठीक है 4, अब 91, 4, 4 कम 4 और 4 नम 36, तो जितना आ जाएगा आपका 91। देखो यहाँ पे 0 बच रहा है, तो 91 आपका बेटा क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। HCF हमने निकालना सीखा भी है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे कर ही लेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर, माइनस तो यहाँ पर एक कैरी ले लिया था, तो यहाँ पर जो घटाया था हमने वो क्या रॉन्ग हो गया था, अब समझ में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से कर लोगे। ऑप्शन नंबर सी क्या है बेटा इसमें, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़े जल्दी से बताओ। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। तो भाई जो जो अभी भी सेशन में जुड़ा है तो क्लास को लाइक कर दो, और चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लो भाई, इतना काम तो आपका बनता है। यहाँ पर लगातार आपकी तैयारी कराई जा रही है, तो भाई लाइक से सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा, इतनी मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए, तो इतना तो काम आप सर के लिए कर ही सकते हो, आप लोग कर सकते हो या नहीं जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में करके, यस या नो। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, क्वेश्चन नंबर 9 है देखो, ये बहुत आसान है, सभी बच्चे भाई अपने आप बताएं इसका, अपने आप बताओ, मैं नहीं करने वाला इसके लिए, मैंने बहुत समझा लिया आप लोगों के लिए। बताओ कितना आएगा, कितना आएगा, जल्दी कमेंट करो फटाक से, सभी बच्चे कमेंट करेंगे, 2 मिनट का टाइम है सिर्फ आपके पास में, करो करो जल्दी करो। बाकी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, बाकी ये आप सभी बच्चे करोगे, बहुत आसान क्वेश्चन था, जल्दी भाई कमेंट करके बताओ सभी बच्चे, सभी बच्चों का कमेंट देख रहा हूँ मैं। चलो करो जल्दी से, कर लिया, किस किस का आंसर आया जल्दी से बताओ। शाबाश बहुत अच्छे, कुछ बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, शाबाश वेल डन, शाबाश बहुत अच्छे, बढ़े आगे। अब चलो आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम विच इफ 280, 1245 और अबाउट रिमाइंडर विल बी 4 और 3। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी, देखो यहाँ पर बड़ी से बड़ी आ रही है, सुन लिया ध्यान से, बिल्कुल सेम क्वेश्चन वैसा ही है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 की तरह बिल्कुल। कहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे यदि 280 और 1245 को भाग किया जाए, किसको, 280 और 1245 को भाग किया जाए तो 4 और क्या 3 क्या बचना चाहिए, शेषफल प्राप्त हो। समझ में आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन में क्या था बेटा आपका, 1200 280 और 1245, 4 और 3। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन में क्या था, ईच केस में दोनों कंडीशन में आपका 3 रिमाइंडर बच रहा था। इस बार क्वेश्चन में कहा गया है कि एक संख्या ये दे रखी है और एक संख्या ये दे रखी है, ये नंबर्स दे रखे हैं, इनमें से कौन सी संख्या होगी, ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन में ऑप्शन से इसे ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसे इसमें इसमें भाग करने पर, डिवाइड करने पर एक में 4 और एक में 3 रिमाइंडर बचता है। कर लोगे, 2 मेथड है, एक मेथड लॉन्ग मेथड हो रहा है, कैसा, ऑप्शन से करोगे तो लॉन्ग हो जाएगा, और अगर उस तरह से करोगे भाग विधि वाले से वो आसान है। ठीक है, तो कैसा था बताओ बच्चों, कैसा था, सर आपने कहा था कि 2 संख्याएं दे रखी हों तो उसको इस तरह से लिख लो। हाँ बेटा हमने बिल्कुल लिख लिया, अब बताओ क्या करें, सर आपने लिख लिया बिल्कुल, हाँ लिख लिया, सर आपने कहा था कि जो शेषफल बचता है, जो रिमाइंडर बचेगा उसके लिए माइनस कर देना है उन 2 संख्याओं से, चलो कर देते हैं। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि सर 4 को इससे माइनस करें या इससे करें, या 3 को इससे करें या इससे करें, हमें बात सर समझ में ये नहीं आ रही है, तो बिल्कुल आप परेशान मत हो,
सुन लो जो मैं बोल रहा हूं। आपको क्या करना है, क्वेश्चन में दोबारा से पहुंचो क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि 280 और 1245 1245 को भाग किया जाए तो शेष पल 4 और 3 बचे। मतलब पहली वाली संख्या, कौन सा क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल सही, पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है। तो पहला वाला जो रिमाइंडर है 4 और दूसरा वाला 3 है। जो पहले नंबर पे है वो पहले नंबर का रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा। जो दूसरे नंबर पर संख्या है वो दूसरे नंबर वाला क्या होगा, शेषफल होगा, रिमाइंडर होगा। इस तरह से आप आसानी से पहचान सकते हो। जो पहले नंबर पर संख्या है वो उसका ये वाला होगा, पहले नंबर वाला क्या होगा, शेषफल होगा। और दूसरे नंबर पर जो संख्या है क्वेश्चन में उसका कौन सा होगा, दूसरा वाला शेषफल होगा। समझ में आ गई, आ गया समझ में, क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है बेटा, शाबाश। अब बताओ कैसे होगा। हाँ सर, अब सुनो सर। हाँ बताइए बेटा। सर आपने कहा था कि शेषफल को माइनस कर दो, तो सर अभी आपने कहा था कि पहली वाली संख्या दे रखी है तो उसके लिए पहले वाला शेषफल माइनस कर दो, तो हमने उसके नीचे लिख दिया। अब सर इस संख्या के नीचे हम 3 लिख देंगे। अच्छा ठीक है, लिख दिया। अब सर माइनस कर लें, चलो माइनस कर लेते हैं। यहाँ से ये निकल कर आया, यहाँ से ये निकल कर आया। अब बताओ बेटा क्या होगा। तो सर आपने हमें बहुत अच्छे से समझाया था, बहुत देर तक डिटेल में जाके समझाया था। सर आपने कहा था जहाँ पर आ जाए बड़ी से बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर, वहाँ पर बिना सोचे बिना समझे उन दो संख्याओं का सर HCF निकाल देना है। ये बताया है सर आपने के लिए, आपने हमारे लिए। क्या सर सही बताया है? हाँ बिल्कुल सही बताया है, आपने बिल्कुल सही सुना है, बिल्कुल। आप इनका HCF निकालो। चलो निकालो भाई, 276 और यहाँ से आपका आया 1243। ठीक है चलो कर लेते हैं, इसके लिए कितना जाएगा, छः दो छंग 12, 6 42 ज़्यादा हो जाएगा, 5 7 35 और 5 2 10 और 3 3 ज़्यादा हो जाएगा, 4 जाएगा। ठीक है 4 6 24, 4 7 28 और 2 30 और 4 2 8 और 3 11, 8 4 12, 7 4 11 और यहाँ से 3 बचेगा। ठीक है और यहाँ से 1 बचेगा। अब देख लो इतना ही बच रहा है ना, यहाँ पर 7 4 11 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 9 4 13 9। अब 276 फिर भाग कर देख लेते हैं, 139 2 2 9 18 और 2 3 6 7 ज़्यादा हो रहा है, 4 2 80 ज़्यादा हो जाएगा, 147 ही जाएगा। एक बार मैं चेक कर लूँ कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है, ऑप्शन देख लूँ कौन कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन 138 है, देखो यहाँ पर हो रहा है मिस्टेक, तभी मैं कहूँ वहाँ पर कम्प्लीटली कोई डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, अब चला जाएगा। देखो यहाँ पर 2 और 276 जीरो आ गया रिमाइंडर, जहाँ रिमाइंडर जीरो आ जाता है सर वहाँ पर हमारा HCF क्या हो जाता है, 138 हो जाएगा। सर हमारा आंसर तो आ गया, शाबाश बहुत अच्छे आ गया ना आंसर। तो यही है इतना आसान मेथड, उस तरह से करोगे तो कैसे, बहुत आपके लिए टाइम लग जाएगा, 6 बार भाग करना पड़ेगा। इसमें कुछ नहीं करना है, संख्याएं दे रखी हैं, रिमाइंडर को जो शेषफल बचा है उसके लिए माइनस कर दो, माइनस करने के बाद में 1 बार आप भाग लगाकर देख लो, हो जाएगा आसान, बिल्कुल आसान है। किस किस के लिए कौन सा वाला मेथड पसंद आया वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, सर हमें पहला मेथड अच्छा लगा या सेकंड वाला, कौन सा बेस्ट है जल्दी से कमेंट करो। सभी बच्चे आगे बढ़ेंगे उसके बाद में, जल्दी से कमेंट करके बताओ सर ये वाला मेथड हमें बेस्ट लगा, अच्छा लगा। ठीक है बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक काम करें, क्वेश्चन नंबर चलो कर लेते हैं, क्लास अभी आपकी एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और भाई आपका जो क्वेश्चंस हैं, नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आप जानते हो कम हो रहे हैं क्लास में, जानते हो क्यों कम हो रहे हैं, ये भी आप जानते होंगे जो लगातार पढ़ रहे होंगे हमसे, क्लास को डेली अटेंड कर रहे होंगे, उनके लिए ये भी पता होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस डेली हमारे क्लास में कम क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है। इसका कारण आप जानते हो बहुत अच्छे से,
कारण ये है कि आपके लिए हर क्वेश्चन को, हर पॉइंट को डिटेल से जाकर, डेप्थ में जाकर समझाया जा रहा है। कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जिसे समझाया नहीं जा रहा है। तो बेटा आपके लिए टाइम लगेगा। आपको पहली बार पढ़ रहे हो, ऐसे मकान पहली बार जब बनाया जाता है तो उसका स्ट्रॉन्ग किया जाता है बेस के लिए। इसी तरह से आप क्वेश्चंस को, इस तरह के क्वेश्चंस को पहली बार पढ़ रहे हो तो आपका, मैं पहली बार पढ़ रहा हूं तो मेरा यही पर्पज है कि आपका जो बेस है पहली बार में इतना स्ट्रांग हो जाए कि दोबारा से जब इस तरह के क्वेश्चन के लिए करो तो आप देख कर ही समझ जाओ कि इसमें ये होने वाला है। आधा क्वेश्चन जो है अपने माइंड में ही सॉल्व कर दो। तो यही है कि पहली बार मैं पढ़ा रहा हूं तो इसीलिए आपका बेस जो है उसे स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर बेस स्ट्रांग हो जाएगा तो क्वेश्चन आप हवा में उड़ा दोगे। अभी नहीं, आने वाले टाइम में ये बात आपके लिए पता खुद लग जाएगी। ये बात ध्यान रख लो, फिर ये वाली फिर बता देना सर आप बिल्कुल सही कह रहे थे। ठीक है, चलो बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 42। क्वेश्चन कहां पहुंच गया, हाँ 11 है। तीन घंटे क्रमशः 12, क्वेश्चन नंबर 12 पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो बेटा आपका 11 है, थोड़ा लेंदी है और टाइम भी आपका काफी ऊपर हो चुका है, होने वाला है। ठीक है, तो 12 कर लेते हैं, इसे समझाना पड़ेगा डिटेल में 11 के लिए, वरना ऐसे समझा दिया जल्दी जल्दी में तो आपका क्या है समझ में आने वाला नहीं है। चलो 12 कर लो। द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 42, 98 और 70। बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं है। बस इसकी आइडेंटिटी कर लो, पहचान कर लो, क्या पहचान है। मैंने क्वेश्चन में बताया था जब बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी, ग्रेटेस्ट नंबर की बात आएगी तो वहां पर बेटा क्या होगा, वहां पर सर आपने बताया था कि HCF निकलता है, मासा निकलता है। इसी तरह से बिल्कुल इस क्वेश्चन में है, कहा गया है वह छोटी से छोटी लीस्ट नंबर, जहां पर छोटी की छोटी बात आएगी वहां पर आपके लिए तुरंत क्या करना है बेटा, उसका LCM निकाल देना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। एक तरीका यह है कि इस संख्या से पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में भाग करके देखो। ऐसी चार ऑप्शन में भाग करके देखोगे तो चार या 12 बार भाग करना पड़ेगा आपके लिए। तो ये वाला मेथड जो है, पहला वाला बेसिक वाला, वो आपका लेंथी हो जाएगा। और इस मेथड से करोगे, जहां पर कहा जाए छोटी से छोटी संख्या बताओ वहां पर तुरंत आप LCM निकाल लो। बिल्कुल निकाल लो, 7×6 42 और 64×98 और यहां से 10 हो जाएगा। यहां से बचेगा 2×3×6 2×7×14 2×5×10। ठीक है, अब 3×1=5, 5×1=1, 7×1=1। क्या बचा आपके सामने, 2×7×3×5×7, 7×2=42 और 42×5=5×10 और 5×6=20 और 20×2=22, 7×5=35, 35×3=105, 105×2=210, 210×7, 7×0=0, 7×7=7, 7×14=74, 1470 आ रहा है। सात पंजे 35 और 35×3=105, 105×2=210 और 210×7=0, 7×7=7×14, 1440 आ रहा है बेटा। 1440, अरे कहाँ गुणा हो गई, गलत हो गई कहीं पर। 7×14, 14×3=42 और 42×5, चलो फिर से कर लेते हैं, कोई नहीं। 7×14, 14×3=42, 5×2=10, 5×6=20 और 1×21, 7×7=7, 7×7=14, हाँ 1470 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो समझ में आ गया सभी बच्चों के, जल्दी से थम्स अप करके बता दें कि जी सर हमें बिल्कुल एकदम से डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है। क्या परेशानी नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हम आपसे पूछेंगे तो सर आप कहोगे सर आपने कहा था जहां पर छोटी से छोटी संख्या की बात की जाएगी तो सर वहां पर हमेशा लासा निकलेगा, और जहां पर बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जाएगी तो सर वहां पर हमेशा हमारा HCF निकलेगा, मासा निकलेगा। सर आपने ये बताया है, दो पॉइंट हमारे दिमाग में बिल्कुल सेट हो गए हैं। किस किस के सेट हैं, बिल्कुल थम्स अप करके लास्ट टाइम आप बता दीजिए सभी बच्चे। और आपके लिए क्लास कैसी लगी आज की, कैसी लगी जल्दी से बताएं, समझ में आई या नहीं आई, किस किस बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आया, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही करने वाले हैं। आज हमारे क्वेश्चन 12 तो हो गए हैं और 11 क्वेश्चन है, उसे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे 11, उसके बाद में 13 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को
सॉरी ये टेलीग्राम के लिए चैनल को भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस क्लास के बाद में तुरंत आपके लिए यहाँ पर कर लेना है, क्योंकि आपके 15 या 20 मिनट बाद आपके क्या है यहाँ पर पीडीएफ चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चंस की पहुँचने वाली है, ज्वाइन कर लीजिए, अदरवाइज आपको मिलने वाली नहीं है। ठीक है, तो ज्वाइन यहाँ पर जरूर करें, और व्हाट्सएप ग्रुप ये है। तो आई होप क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करो, शेयर करो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो चलिए बच्चों आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नई क्लास के साथ में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।